पंजाब पुलिस ने खरगोन पहुंचकर पकड़े 63 कट्टे, 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब पुलिस को सौंपा। पंजाब के अमृतसर थाने के सब इंस्पेक्टर जगदीप सिंह ने बताया कि पंजाब के अमृतसर में 10 अगस्त को 4 अवैध देसी पिस्टल के साथ अमृतसर निवासी आरोपी दीपक प्रताप और जय शर्मा को पकड़ा था, जिनसे खुलासा हुआ था कि यह अवैध हथियार खरगोन जिले के इन आरोपियों से खरीदे थे। उसी को लेकर 10 सदस्यीय पंजाब पुलिस ने एमपी के खरगोन और बुरहानपुर में धरपकड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस की माने तो खरगोन जिले के आरोपियों द्वारा पंजाब के साथ साथ हरियाणा सहित राजस्थान के गैंगस्टरों को अवैध हथियार सप्लाई की जाती है। फिलहाल पंजाब पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को खरगोन स्थित न्यायालय में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लेकर पहुंचेगी, जहां पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। किस तरह की कार्रवाई की गई, लगभग 7 कट्टे बरामद किए गए? मिति 10/8/22 नूं पंजाब च कहीं 24 नंबर FIR दर्ज की सी, जिस ते दो जने जय शर्मा ते दीपक प्रताप नूं उत्थों पंजाब तों रेलवे स्टेशन अमृतसर तों अरैसट करके ते उन्हां कोलों 4 पिस्टल बरामद किए सी। जो उन्हां दी इन्वेस्टिगेशन ते इन्हां दा नाम आउण पर सोनू सिंह, कैलाश मल सिंह अते बोरे लाल दा नाम जो आया था, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए सीनियर अफसरां दे हुकम पर एक 15 मैंबरी टीम जो मध्य प्रदेश से पहुंची सी, ते इन्हां नूं काजलपुरा रोड दा उत्थों खरगोन रोड तों इन्हें गिरफ्तार करके 63 जिहड़े पिस्टल इन्हां को रिकवर किए गए। कितने पिस्टल बरामद की? 63। आगे आप किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अज आप मांजो कोर्ट में पेश करके 8-9 तक इन्हों का ट्रांजिट रिमांड ले लिया वा, जो हम पंजाब जाके इलाका मजिस्ट्रेट पेश करके जी इन्वेस्टिगेशन करके जो अगली कार्रवाई होगी। क्या नाम लिखा सर? सब इंस्पेक्टर जगदीप सिंह। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।